अब हम पढ़ चुके हैं कि जेन को जो है वह बैरन के घर घुस जाता है। बैरन वह अपने परिवार के साथ कहाँ रहता था, इटली में रहता था उसका परिवार, और उस घर का देखभाल जो है एक सिपाही करता था। तो उस सिपाही के पास एक वायलिन थी, जिनको उस वायलिन की ओर काफी आकर्षित हो जाता है। एक दिन क्या है, घर पर कोई नहीं था, सिपाही जो है अपने प्रेमिका से मिलने गया हुआ था, तो वह क्या करता है, चुपके से उस घर के अंदर घुस जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। एक विराम के बाद अंधेरे में हल्के क्रंदन की आवाज आई, मानो किसी ने अनजाने में तारों को छेड़ दिया है। उसी वक्त कमरे के कोने से कर्कश मगर उन्नीदी आवाज फूट पड़ी, कौन है वहां? तो वह घुसता है, घुसते ही क्या करता है, काफी देर बैठा रहता है और हल्के से वायलिन को छू लेता है, आवाज आती है, और इतने में क्या है, सिपाही आ धमकता है और आकर पूछता है कौन है। दीवार से माचिस की तीली रगड़ने की आवाज सुनाई दी, एकाएक रोशनी की लहर फूट पड़ी, और फिर हाय राम, गालियों, घूसों, मुक्कों की बरसात होने लगी। बच्चा रोने लगा, बिलखने याचना करने लगा, ईश्वर के वास्ते, मतलब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर क्या है, घर के अंदर तो घुसा, अगर इस प्रकार कोई घुस जाए तो लोग यही सोचेंगे ना कि चोर घुसा है, तो चाहे वह बालक ही क्यों ना हो। कुत्तों का भौंकना रोशनी लेकर लोगों की भगदड़ शुरू हो गई, पूरे घर में खलबली मच गई, उसका घर जो है लोगों से भर गया, घर में खलबली मच गई। दो दिन बाद अभागा जेन को मजिस्ट्रेट के सामने था। उसके बाद क्या है, उसको कहाँ लेकर अब आया, मजिस्ट्रेट के सामने। क्या चोरी के जुर्मे उस पर मुकदमा चलाया जाए, बेशक, तो क्या उसके ऊपर किसका मुकदमा चला, चोरी के इल्जाम में? हाँ बिल्कुल, उसने वह चोरी के इरादे से ही घुसा था। न्यायाधीश और मकान मालिक ने कटघरे में बड़े अपराधी को देखा, मुंह में उंगली डाले, फटी भयभीत आंखें, बेहद दुर्बल, छोटा, गंदा, चोटों से भरा हुआ बालक चुपचाप खड़ा था। तो वह बालक जो है वह चुपचाप खड़ा हुआ था, वह मुंह से कुछ उत्तर नहीं दे रहा था। इस बात से पूरी तरह अनजान की क्यों और कैसे उसे वहां लाया गया, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको वहां लाया क्यों गया, आखिर उसका अपराध क्या है, उसने तो कोई चोरी नहीं की, पर वह नन्ना बालक सोचता है आखिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया, और वे लोग उसके साथ क्या करने वाले, उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्यों और कैसे उसे यहाँ लाया गया, और वे लोग क्या करने वाले। न्यायाधीश सोच में पड़ गया कि इस कदर, मतलब बच्चा इतना ही दुर्बल था, इसीलिए वह सोचता है, न्यायाधीश सोचता है कि इस बालक का क्या किया जाए, महज 10 वर्ष के इस अभागे को क्या दंड दिया जा सकता है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये बालक इतना दुर्बल है जो अपने पैरों से क्या है वह ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा, आखिर इसको क्या सजा दी जाए, क्या इसे कैदखाने भेजा जा सकता है, यूं भी बच्चों के साथ इतना बेरहम नहीं हो जा सकता है, बेरहम तो हम नहीं हो सकते बच्चों के साथ, वह भी ये 10 साल का बालक है, क्या वह बेहतर नहीं होगा कि चौकीदार उसे ले जाकर बेंत से थोड़ी पिटाई कर दे, जिससे उसे दोबारा चोरी ना करने का सबक मिल जाए, इस तरह मामला भी निपट जाएगा। तो मजिस्ट्रेट यही सोचते हैं, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वहां पर, वे कहते हैं क्यों ना बालक को 2-4 पिटाई करके उसे छोड़ दिया जाए, चौकीदार उसे पीटेगा जिससे वह दोबारा चोरी करने की नहीं सोचेगा, यही सोचकर वे कहते हैं, छोड़ देने की बात करते हैं कि 2-3 पिटाई, बेत से पिटाई करे और उसे छोड़ दिया जाए, हाँ यही बढ़िया रहेगा। चौकीदार को बुलाया गया, फिर क्या है, चौकीदार को बुलाया गया, इसे ले जाओ, चेतावनी के बतौर बेंत से पिटाई करो, क्या कहते हैं इसको, क्या है, बेंत से पिटाई किया जाए। मोटी बुद्धि वाले चौकीदार ने अपना सिर हिलाया, चौकीदार बोलता ठीक है उसका मैं बेंत से पिटाई कर दूंगा, पर उसे यह नहीं मालूम था कि बच्चा जो है काफी दुर्बल है, इतनी, मगर जो चौकीदार है उसने ऐसी ही पिटाई की कि बेचारा
हमेशा के लिए ही दम तोड़ देता है। जेनको को वह किसी बिल्ली के बच्चे की माफिक बगल में दबाकर अस्तबल में ले गया। तो वह चौकीदार जो है जेनको को किस प्रकार ले गया, बिल्ली के बच्चे के समान लेकर गया, ठीक है, अस्तबल में लेकर गया। या तो उस बालक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बालक को क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वह इस प्रकार उसको पकड़कर ले जा रहा है, अथवा वह इस कदर भयभीत था कि उसने मुंह नहीं खोला। वह मुंह भी भयभीत नन्हे परिंदे की भांति चारों ओर देखने लगा, वह चारों तरफ देखने लगा कि आखिर क्या बात है, मुझे इस प्रकार पकड़कर क्यों लिए जा रहा है। उसे तब जाकर एहसास हुआ जब चौकीदार ने पकड़कर फर्श पर लिटा दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेंट से पीटने लगा। पर जब उसे बेंट से पिटाई होने लगी तब उसे जाकर क्या है उसको एहसास हुआ कि आखिर बात क्या है। बेचारा जेनको चीख पड़ा। माँ हर बार के साथ उसकी आवाज क्षीण और कमजोर होती जाती थी। कुछ देर बाद वह चुप हो गया, फिर उसने माँ को पुकारना बंद कर दिया। मतलब ऐसी पिटाई पड़ी, वह माँ को पुकारने लगा माँ माँ, और धीरे धीरे वह जो आवाज है वह क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा। बेचारा टूटा हुआ वायलिन। क्रूर चौकीदार ने बड़े बेरहमी से बालक को पीटा था। बालक को बहुत क्रूर ढंग से क्या है उसको पीटा था, इतनी बेरहमी से पीटा कि बेचारे के मुंह में और शक्ति ही नहीं रही, मतलब उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। यूं भी अभागा नन्हा जेनको हमेशा से ही दुबला पतला और कमजोर था, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। आखिर उसकी माँ आई और बच्चे को अपने साथ ले गई, पर उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। इतनी बेरहमी से चौकीदार ने पीटा था कि उसकी माँ उसे गोदी में करके ले जाती है, मतलब उसे उसमें चलने की भी शक्ति नहीं थी। अगले रोज जेनको उठ नहीं सका। अगले रोज क्या है, अगले दिन वह बिस्तर से उठ नहीं सका। तीसरे रोज उसने आखिरी सांस ली। तीसरा रोज क्या होता है, वह आखिरी सांस लेता है। घोड़े की जीन के कपड़े में ढके बिस्तर पर उसे हमेशा की नींद में सो गया और वह हमेशा के लिए वह सो जाता, मतलब मर जाता। इतनी पिटाई करते हैं कि तीसरा दिन वह दम ही तोड़ देता है। जब वह इस तरह मृत्यु के आगोश में था तो खिड़की के पास चेरी के वृक्ष पर अबाबिल पक्षी चहकने लगे। सूरज की किरणें भीतर झांकने लगी और बालक के लच्छेदार बाल और रसहीन सूखे चेहरे के चारों ओर तारों की ज्योति का एक पुंज दमकने लगा, मानो किरणों ने इस नन्हे से बालक की आत्मा को स्वर्ग में से जाने का मार्ग बना दिया था। ऐसे बदनसीब बालक को कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूरज की रोशनी से भरा एक उज्जवल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ था, वरना जीवन भर उसे कटीले रास्ते पर ही चलना पड़ा था। उसकी बेजान छाती अभी भी हल्के हिल रही थी। बालक अभी भी बाहरी दुनिया की आवाजों के प्रति सचेत था जो खिड़की की मार्फत भीतर जा रही थी, मानो उसके कानों में अभी भी जो है बाहर की जो आवाज़ है वह बेहोश था, मगर ऐसा लग रहा था बाहर की आवाज़ जो है उसको सुनाई दे रही है। शाम का वक्त था, खेतीहार बालाएं काम से लौट रही थी और गाते हुए जा रही थी। पास से ही नदी की कलकल सुनाई, देखो वह मृत्यु के बिस्तर में लेटा हुआ था मगर मानो क्या है उसको बाहरी जो संगीत है वह उसके कानों में अभी भी सुनाई दे रही हो। जेनको ने आखिरी मर्दबा देहात के संगीत को सुना। घोड़े की जीने के कपड़े पर उसके पास ही वह सारंगी भी रखी थी जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। तो वह जहाँ लेटा हुआ था पास ही क्या, वह काठ की जो सारंगी थी वह उसके पास थी जो उसने काठ के टुकड़े से बनाई थी। मरणासन का चेहरा अचानक चमक उठा, उसके सफेद होंठ फुसफुसाए। माँ, फिर वह अंतिम बार वह माँ को पुकारता है। क्या बात है मेरे लाडले, माँ ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज सिसकियों में दब गई। माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा? तो वह अपने माँ से क्या पूछता है, माँ
स्वर्ग में क्या जाकर भगवान मुझे असली वायलिन देगा? माँ हाँ मेरे बच्चे, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। भीतर जज व आंसुओं का सैला फूट पड़ा था, वह केवल बुदबुदाई। ओ जीसस, फिर मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। देखो इतना नन्हा सा बालक सिर्फ एक वायलिन के लिए क्या है, इतना मार खाता है, बस वो सुनना सोत क्या है, बस छूना चाहता था, और उसका गलत मतलब निकाला गया और इतनी बेरहमी से पिटाई किया कि वह बेचारा दम ही तोड़ने को है। सब खत्म हो चुका था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि नन्हे संगीतकार की आंखें खुली पर निश्चल थी। जब मुख पर शांति, गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था, सूरज डूब चुका था। नन्हे जेन को ईश्वर तुम्हें शांति दे। अगले रोज बैरन और उसके परिवार वाले इटली से अपने बंगले में लौट आए। अगले दिन क्या है, बैरन जो है वे अपने परिवार के साथ क्या है लौट आते हैं इटली से। घर के दूसरे सदस्यों के साथ बेटी और उसका मंगेतर भी था। इटली वार्कड कितना दिलकश देश है, वह युवक बोला। हाँ वहाँ के लोग भी शानदार हैं, कलाकारों का देश है। तो इटली किनका देश है? कलाकारों का देश है। वाकई उनकी कला को देखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है। तो इटली के जो संगीतकार हैं उन्हें प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है, वही बैरन और उनके परिवार लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। नवयुवती ने जवाब दिया, जिनको की कब्र पर कितने ही कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। जिनको को कब्र दिया गया मतलब क्या है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके कब्र के ऊपर क्या है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। कहने का अर्थ है, देखो ये जो छोटे छोटे संगीतकार हैं, जो लोग सच्ची में क्या चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी कोई कद्र नहीं होती। अगर इनकी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये भी क्या है, बड़े से बड़े कलाकार बन सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी। धन्यवाद।